It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIMS knowledge base. सैयद मुस्तफा कमाल इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दिया चलता है। आपके ये जब आप एयरपोर्ट से आगे जाते हैं तो मलीर और कायदाबाद के दरमियान में जो दो सिग्नल आ रहे हैं वो दो ब्रिजेस हैं उसके ऊपर, और उसमें कुछ और स्कीमें, लेकिन मैंने उनकी इनॉग्रेशन नहीं की है, मैंने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं की है, इसलिए कि वो पैसे, जबकि वो भी मैं कर सकता हूं कि वो भी हमने प्लान करके अप्रूव करवा लिया सब चीजें, लेकिन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से वो अभी हमें पैसे उसके रिलीज नहीं हुए हैं, टेक्निक की अप्रूवल नहीं हुई है, तो हमने उसे नहीं किया, लेकिन जिन चीजों की हमें जो है वो फाइनल अप्रूवल होकर पैसे एलोकेट हो चुके हैं, हमने उनकी जो है वो अप्रूवल की है। पैसे इसी का नाम मैनेजमेंट है। आपको मैं शायद बहुत खुलकर अगर बताऊंगा तो मुझे ठेकेदार जो है वो कल पकड़ेगा बाहर, इसको राज को राजी रहने दो, पैसे किसी के नहीं रुक रहे और हम जो है वो काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन यकीनन जो है वो इसमें हमेशा से प्रॉब्लम रही है, और हमने कभी भी जो है वो नाजायज कभी नहीं कहा कि हमें शोर मचाए, हम बात को हम सच्चाई को बताते चले गए कि भाई ये मसले मसाइल है, लेकिन मसले मसाइल को कहकर हम रुक नहीं गए, हमने अपने काम को बंद नहीं किया। आपको याद हो सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2 बना रहा था मैं, नागिन चौरंगी का ब्रिज और गुलशन इकबाल चौरंगी का, इन 5 ब्रिजेस में 2 ब्रिजेस जो है वो रुक गए, जब भी उसको तो अदरवाइज 3 ब्रिजेस में 4 महीने में बना चुका था, लेकिन आपको पता है जब ट्रांजेक्शन हुई तो ये दोनों पैसे, दोनों ब्रिज, एक फेडरल गवर्नमेंट का था और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ये दोनों पैसे रुक गए, और हमें जो है वो हम बिल्कुल क्लॉग हो गया, बड़ी आर्टिकल्स आए उसके ऊपर, बड़ी रिपोर्ट्स आई, लेकिन हमने उसे ब्रिज फाइनेंसिंग करके उस कॉरिडोर को दोनों ब्रिजेस बना दिए। अगर मैं आज मुझे 2 साल के बाद वो पैसे मिलते तो यकीन जाने जो पैसे एलोकेट हुए थे उससे डबल ट्रिपल हो जाती है उसकी कॉस्ट, लेकिन एस्केलेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, सरिया बढ़ रहा है, सीमेंट बढ़ रहा है, चीजें मजदूरी बढ़ रही है, तो हमने लोगों के लार्जर इंटरेस्ट में पॉलिटिक्स नहीं की है, हमने सच्चाई बताते चले गए, लेकिन अपने लोगों को लार्जेस्ट इंटरेस्ट में हमने अपने आप को मैनेज करके कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और मैं फिर कहता हूं कि हमने अपने दौर में कराची में एक भी प्रोजेक्ट या ब्रिज को बंद नहीं होने दिया है, उसकी सिर्फ सिर्फ वजह यह है कि देखें इस मुश्किल दौर में मैं समझता हूं कि जहां पर हमारे यहां महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जहां पर हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जहां पर हमारे यहां माशरे में अफरा तफरी बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ रही है, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, उस दौर में कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को अपनी बाहों में समेटता है, लोग अपनी रोजगार के लिए यहां पर आते हैं, मुझे ब्रिजेस को बंद करके उस ब्रिजेस को अधूरे ब्रिजेस को अधूरे काम को बंद करके उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में पॉलिटिक्स के बजाय मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको बंद कर दूंगा पैसे ना होने की वजह से, तो जो मजदूर वहां पर काम कर रहा है वो, जो ट्रक वाला बजरी के ट्रक चला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है वो, जो वहां पर सीमेंट की फैक्ट्री से जो सीमेंट लेकर आ रहे हैं और सीमेंट की फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो, जो सरिया वहां पर आ रहा है और जो है वो स्टील मिल में लोग काम कर रहे हैं वो, ये सारे लोग